चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ए लतीफा अर्ज किया। वो कोई ऐसे ही बाबा था जो मगलूब उल हाल था। हाय 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 हाय। उस शहर में ना हजरत एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। हजरत वो आया तो आके ना वो बाबे के पास बैठा। बाबे तो शाही कोई नहीं। वो समझ बैठा कि ये बाबा गरीब है। बाहर गया जाके ना तो किसी से कॉपी पेंसिल ली ना कर सोना बनाने का सारा नुस्खा लिखा, तरकीब लिखी, तो लाके ना बाबा जी को पेश किया। हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। वो दो तीन साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। दिल में ख्याल आया कि ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताब हुआ थे। बाबे और नुस्खा दे के गया। लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वो ही कुटिया। तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी बनाया नहीं जी। कहानी तो कहानी। ओ भाई टाइम ही नहीं लगा। हाँ चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है? लपेटना है। ते तेरा वुजू है जनाब? मेरा तो वुजू नहीं, मेरा नहीं है, सूरत हाल है। हाँ जरा मेरे नाल। उसको कहते हैं यार वो पेशाब करने बह गया वहां मिट्टी दियां टेमां तो चुकी ही नहीं। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ। तू नीचे देखा तो जमीन सोने की। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमां फड़ा डे। और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊ, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, अब खिलाफत के उमूर तुमने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, तो जाहिर है कि अब मैंने बच्चों को तो खिलाना है कुछ, तो मेरा कोई वजीफा मुकर्रर करो। तो साहबा ने मशवरे के बाद एक आम मुहाजर का जो वजीफा था ना बैतुल माल से, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए मुकर्रर किया। और बुहारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर मुसलमानों के उमूर खिलाफत को चलाएंगे और इसके बदले में मुसलमान अवाम इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। सरकार आप जरा नोट करें, ये तो आप तो इसे तोहीन समझेंगे। यानी मुसलमान चंदा देकर बैतुल माल के जरिए अपने खलीफा का खर्चा उठाएंगे। और खलीफा कौन है? इस उम्मत के चार जो टॉप के इंसान है ना इस उम्मत के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदी अल्लाह अन्हु अजमईन, खुलफाए राशिदीन, उनमें से एक है। और आप हमें ये बताते हैं कि जी एक आम साहबी भी हो ना, अदना साहबी, और उसकी मिसाल वो हजरत वाशी से देते हैं जिन्होंने एंड पे इस्लाम कबूल किया, कातले हमजा थे जो, उनके घोड़े के कदमों की जो खाक है वो घोड़े के नथनों में बैठे, उसको कोई गौस, कुतुब, अब्दाल नहीं पहुंच सकता। यही कहते हैं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम के बारे में तो आप इमेजिन ही ना करें उनका मर्तबा क्या होगा। आप अपने बाबों के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं यानी मसला चुकया तो सोना? कोई अकल से काम नहीं।